भवानी त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणां इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी भवानी त्वं इति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुट मकुट नीराजत पदां। संस्कृताचींची आतपळे आते खंच लकार म्हणून कशी खेळ खेळला म्हणतो भगवतपाद भाष्यकार आदिशंकराचार्य जगद्गुरु जाऊन असेल त्या सो सगळ्यां खातीरही त्यांनी उपाय दिला भक्तिपूर्वक करा ते आणि श्रद्धान तुमची भवानी त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणा हे भवानी संबोधन थई ह्रस्व त्वं दासे मयि मज्जान्तु वितरदृष्टिं सकरुणा वितर मज्जान्तु प्रसारो आपकी दृष्टि करुणामयी दृष्टि जो है आपकी वो उड़ेल दो मुझ पे मस्त दृष्टि अस्ताती शिवे श्रृंगाराद्रा तदितरजने कुत्सन परा सरोषा गंगायाम असे गंगा दिकान पळेत आणि कोपान पळेत ही कोण आपणाला बमणाला माथ्यावर चोळून बसल्या म्हणून आणि शिवा कपळेतना आर्द्र जाऊन असं अशिव पळेल कले पळेल्या रे तिगल दृष्टीन तो एक कुत्सा जुगुप्सा असा अशिव ती सहन करना अशी सगळ्या सात प्रकारच्या रस ती प्रकट करतल देवी जर तुगल आत्ता मगल दिकान पळेतना सकरुणाम दृष्टी सकरुणाम वितर कल्या का दासोहम शिवे हे भवानी त्वं दासे मयि तर दास भाव आयला कशी हा सेव करता हा त्या झाले जप करताना ध्यान करताना एक ताद आत्म्य जात असं तिथली एक त्या अनुग्रहात्मिका शक्तीचा अनुभव जात असं की मगल कसले ना आय एम टोटली डिपेंडंट ऑन यू तशी एक भाव नाही लिया मगल बरे पण सुद्धा माका कसली म्हणून घोत ना तू ते सिद्ध कोण दिता सो आत्ता तू आणि हाव मात्र आणि कसले ना एटलीस्ट तितले निष्प्रपंचता आयल्या म्हणून हाव म्हणलेलं असं अनडिफाईंड बट नॉट डिमांडिंग त्या हंतो दासो हम किंकर म्हणतात नाही कल तू सांग हम करू तयार असं किंकर मग खॅन जाऊन का हा वश केल्या तू हॅम डित्व अशी ह्या सण भावना नातेल्या का किंकर म्हणतात ती सेवेन तू तत्पर असेल तशी बाहेरचे सेवेन तू मात्र नाही आध्यात्मिक स्तरार प्रवेश झाला आंतरिक स्तरारी हा दासू तुगे लोणची तुझ्यान तुमची शरण अनन्य गतिको हम एतादृशी भावना उत्पन्ना साधकस्य मनसी तस्मात सह कथयति प्रार्थयति हे भवानी त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वं इति यः साधक कहना चाहता है स्तोतुं वाञ्छन् इच्छा करके अपनी प्रार्थना मूक प्रार्थना है वो अंतकरण में एक अभिलाषा मात्र है हे भगवती तू मेरे पे पूर्ण अनुग्रह कर शब्दों में भी व्यक्त नहीं हुई है पर उसको व्यक्त करना हो तो फिर हे भवानी त्वं दासे मयि मह्यम मुन्ने मयि म मज्जेरी पूर्णतया अपनाल करुण तू दोन घेता तुगल एक थोड़े सुधा एक करुण दिल्यार पूरो आयल बी आपला वेत सतल हा म्हण तो चतुर्थ्यंत्याना सप्तमी चतुर्थ्यंत अर्थांतु सप्तमी प्रयोग मयि वितरदृष्टि सकरुणाम इति स्तोतुम अशी ऐसे बोलने की इच्छा से वांछन इच्छन कश्चित साधक आरप्स्यते प्रार्थना प्रार्थनाम आरप्स्यते हे भवानी तक भवानी त्वं दासे मयि तक मोणुक सोणा देवी ऐकता सी दिस इज दी कम्युनिकेशन दॅट हॅज बीन एस्टॅब्लिश्ड तिगल अनुग्रह अनुभव करताची भगवती का अनुभव भगवती ही अनुग्रह अनुग्रहात्मिका है हमारे लिए सृष्टि स्थिति लय तो करती ही है निग्रह भी करती है
पर अब जब हम उसके सन्मुख हैं, हमें वो गुरु शक्ति रूप से प्राप्त हो रही है, अनुग्रहात्मिका शक्ति रूप से, इसीलिए तो वही शक्ति कार्य करेगी। तो भवानी त्वम है दोन शब्द ऐकुंज भितरी, अहम भवानी त्वम हूँ अर्थ देवी स्वीकार कर सकें, अहम करोमी कार्यम करोमी, किं करवाणी हम किं करवाणी मणता पड़े, हम कल कोर का लोट लकारू थय करोमी नहीं करवाणी मन जाता, सो तशे अहम भवानी भवामी नहीं भवानी हम जाऊँ मैं बनूँ, इस अर्थ में सप्तम लोट लकाराच प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन भवानी, अहम भवानी मैं ऐसे बनूँ, क्या बनूँ, त्वम भवानी त्वम दासे मई। हाँ, इस वाक्य में दो जो दो शब्द पहले के हैं भवानी त्वम, बस उसी को सुन के वहाँ पे तो भगवती बड़ी आतुरता से निरीक्षण कर रही है साधक की, ये मेरे सन्मुख हो, और वो जब कहता है मैं बनूँ तुम, उस अर्थ में वो उस दो शब्द उन दो शब्दों को ग्रहण करती है, मैं तुम ही बन जाऊँ। अनि तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं, तदैव तत् अनुक्षणं त्वं दिशसि हे देवी त्वं दिशसि ददासि, तस्मै कस्मै तत् साधकाय, दिशसि निज सायुज्य पदवीं, सायुज्य पदवीं कीदृशी सा पदवी, मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुट मकुट नीराजित पदाम, आरती करच हतन घेवनु विंगड़ खबरी, मुकुंदादि सर देव ब्रह्म विष्णु इंद्रादि देव तंगेल मुकुटाच मण्यानी ते नीराजन करता, ती दे आर धन्य जाऊन तेगेल मुखार बसल्यान ती स्वतः मुकुटाच कल मणि खचित मुकुट आसता, आनी रेस्प्लेंडंट तांगेले दिव्य मुकुट तज्जानेच ती आरती करता आसा, ती भगवती की आरती वो कर रहे हैं। ऐसे क्यों, क्योंकि ये सायुज्य पदवी देने वाली ये शक्ति है, तो उस देवी की हम जब स्तुति प्रारंभ करते हैं वो मातृशक्ति भवानी त्वं, बस उन दो शब्दों को सुन के सायुज्य पदवी ददासी, मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुट मकुट नीराजत पदाम, उस पदवी को जिसका गौरव ऐसे दिव्य शक्तियाँ ब्रह्म विष्णु महेश इत्यादि जानते हैं, उसका नीराजन करते हैं, वो पदवी को तुम उस साधक को दे देती हो। तने संबोधनांतुंचे भवानी त्वम, भवानी त्वम एक महावाक्य शयतस, अहम ब्रह्मास्मि उपदेश मेला तत्त्वमसि श्वेत केतु तत्त्वमसि धैंतु दैट यू आर नॉट दिस क्षुद्र जीव, अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इन चार ही महावाक्य खे वेदांत अंथन घेतल्यांती रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वाक्यस, दिस भवानी त्वम ऑल्सो इज अ महावाक्य फॉर द उपासक, हम जाऊँ तत् त्वम असि, तीन पद अस्ताति महावाक्यांतो, तत् पद ईश्वर, त्वम मेरी हैं जीव उपाधिग्रस्त, अनीश्वर अलुपाधि सर्वज्ञत्व इत्यादि अन अल्पज्ञत्व जीवांतो, तत् त्वम असि ऐक्य स्थापित करतल हैं, हंगा भवानी मंडल्यांतो आम तूंच जाव मंडल्यांतो, ते तिन्नी एवन वचुली तशी महावाक्य सदृश हैं उच्चारण के लिए, तशी चित्त्या अर्थान तो देवी स्वीकार करनु निज सायुज्य पदवी ती प्रदान करते हैं।